ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करते हैं आज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की, विद प्रीएम्प्शन मोड, क्राइटेरिया, टाइम क्वांटम। तो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे चार प्रोसेस का एग्जांपल मैंने रखा है। अराइवल टाइम भी आपके पास दिया हुआ है और बस टाइम दिया हुआ है। कंप्लीशन टाइम निकालना है, टीएटी निकालना है, डब्ल्यूटी निकालना है, आरटी निकालना है। टीएटी मतलब टर्न अराउंड टाइम, डब्ल्यूटी मतलब वेटिंग टाइम, और ये रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो वही पुराना फार्मूला है, बस इसमें एक छोटा सा अंतर हमने ये किया है कि जो हमारा टाइम क्वांटम है इसको हमने टू ले रखा है। आप टू थ्री जो भी लेना चाहो, या जो भी क्वेश्चन मुझे, बिना टाइम क्वांटम के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये है कि राउंड रॉबिन में आपका नॉन प्रीएम्प्शन मोड नहीं हो सकता, क्योंकि तो प्रोसेस बार बार स्विच करता है। अब बार बार रेडियो क्यू में आता है, फिर रेडियो क्यू से रनिंग क्यू में जाता है। ओके, तो ये आपका प्रीएम्प्शन मोड में वर्क करेगा। टाइम क्वांटम आपका टू है, यही क्राइटेरिया है इसका। तो हमने इसमें दो टोक क्यू बना रखी है, एक रेडियो क्यू, एक आपका रनिंग यानी गैंट चार्ट जो आपका बनेगा, वो दो फॉर्म में बनेगा। यानी कि जो भी प्रोसेस पहले आएगी उसको हम पहले रेडियो क्यू में डालेंगे, और रेडियो क्यू से फिर उसको हम रनिंग क्यू में लेंगे, क्योंकि रेडियो क्यू से रनिंग क्यू में ही प्रोसेस जाती है, इस बात का ध्यान देना है। हालांकि आप एक ही गैंट चार्ट से भी काम कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या रहेगा, आपको मान ली बहुत लंबे प्रोसेस है, ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो, भूल जाए कि कौन से प्रोसेस को आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच किया, किसको नहीं किया, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उस कंडीशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, रेडी क्यू और रनिंग क्यू दोनों क्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो रेडी क्यू में प्रोसेस आएगी, जैसे ही आपका सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद सिर्फ रनिंग क्यू को ध्यान देंगे, और रनिंग क्यू के अकॉर्डिंग ही आप कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, टीएटी निकालेंगे, डब्ल्यूटी निकालेंगे और रिस्पांस टाइम निकालेंगे। ये चीज़ें हमको इसमें ध्यान रखनी होगी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो जैसे कि इसका बस टाइम जब 5421 दिया हुआ है, अराइवल टाइम दिया, तो जब कभी भी हम रेडी क्यू में डालेंगे प्रोसेस को, तो अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम डालेंगे। तो अराइवल टाइम इसका क्या है, तो इसका हमें ध्यान रखना। तो सपोज करिए कि पहले हमारी प्रोसेस P1 है, इसका अराइवल टाइम 0 है, यानी कि अगर इसका अराइवल टाइम 0 है तो हम इसको रेडी क्यू में डाल देंगे। ये प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में आ गई। अब इस प्रोसेस को P1 को हम रेडी क्यू से हटाकर इसमें लाएंगे, रनिंग क्यू में लाएंगे। तो जैसे ही रनिंग क्यू में आएगा, क्योंकि अभी तक कोई प्रोसेस नहीं है, जैसे ही रनिंग क्यू में आएगा ये प्रोसेस, तो टू क्वांटम तक यानी टू यूनिट तक ये सीपीयू उसको मिलेगा। तो इसको हमने 2 यूनिट तक सीपीयू दे दिया, 2 यानी P1 आपका 2 पॉइंट तक हुआ। अब यहां पे कितना बचा, अब यहां पर बचा 3। एक चीज और, अगर किसी का बस टाइम 2 यूनिट है तो प्रोसेस एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा, वो रेडी क्यू से आपका बाहर चला जाएगा। तो यहां पर जो प्रोसेस था P1, इसको हमने हटाकर रेडी क्यू में डाल दिया। ओके, इसको हटा के रेडी क्यू में डाल दिया। अब P1 अभी है आपका, P1 अभी आपका 2 पॉइंट बचा हुआ, 3 पॉइंट बचा है आपका। तो अब 2 सेकंड तक चला, इसका मतलब है कि 2 सेकंड के बीच में आपके 3 प्रोसेस रेडी क्यू में आ गए, आपके 3 प्रोसेस रेडी क्यू में आए, P2 आ गया और P3 आ गया। ठीक है, आपका P3 भी आ गया, P1, P2, P3। तो जैसे 2 टाइम तक चला, अब 2 सेकेंड के अंतराल में कौन कौन से प्रोसेस रेडी क्यू में आए। ठीक है, तो रेडी क्यू में पहले P1 था, P1 को उठा के हमने यहां पे रख दिया। अब यहां से P1 तो यहां से हट गया था। ठीक है, तो जब यहां से P1 हट गया था, अब पहले सेकंड में आपका कौन सा प्रोसेस आ गया, P2 आ गया। तो यहां पर आपका P2 आया। ठीक है, तो पहले तो आपका P2 आया। ठीक है, P2, ओके, तो रेडी क्यू आपका P2 भी आ गया और साथ में आपका P3 भी आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं ये तीनों प्रोसेस P1, P2, P3 तीनों आपके रेडी क्यू में होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस आपके रेडी क्यू में होने चाहिए।
अर्थात आपका P3 भी रेडिक्यूल में आ गया। ठीक, अब ये देखते हैं कि अब इसे ये P1 प्रोसेस, P1 तो दो टाइम खत्म हो गए, अब इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे। तो जब हम इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे यानी इसको वहां से हटाएंगे रनिंग क्यू से, तो जब रनिंग क्यू से हटाएंगे यानी कि यहां पर हम इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे, ये पूरी ये स्विचिंग है आपकी, ये स्विचिंग करेंगे। इस स्विचिंग में क्या है कि थोड़ा सा मैं इसको बनाए दे रहा हूं टेबल के अकॉर्डिंग। ओके, ये आपका डार्कनेस में आ जाएगा, चौदह लाइन हम इसको करे दे रहे हैं, ये प्रोसेस आपका यहां पर आ जाएगा। ओके, राइट बॉर्डर, ये प्रोसेस आपका आ गया। ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया P1। अब इसके बाद P1 के बाद अब कौन सी प्रोसेस यहां पर आएगी, P2 आएगी, तो हम यहां पर P2 को ला देंगे। अब P2 आपका चलेगा 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक चलेगा अर्थात हो जाएगा 4। फोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 4 हो जाएगा आपका P2, अर्थात यहां से P2 को भी हमने उठाया और रेडी क्यू में डाल दिया, रेडी क्यू में डाल दिया, सॉरी इसको नहीं करना है, ये तो हमारे प्रोसेस पहले से पड़े नहीं है, हमने यहां से इसको रेडी क्यू में डाल दिया। ठीक है, P2 आपका यहां पर आ गया। ओके, अब 4 टाइम तक चाहे चला पाउंड। अब यहां पे देखते हैं कि P2 आपका कितना हुआ, P2 आपका कितना बचा, 2 बचा। ओके, 2 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे P2 यहां पर आएगा हम यहां पर क्या डाल देंगे, P1, P1 को हम रेडी क्यू में वापस कर देंगे। तो अब चौथे सेकेंड में, अब ये देखते हैं चौथे सेकंड में प्रोसेस हमारी P4 भी आ गई, तो P4 भी हमारा रेडी क्यू में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आपको P4 आ गया। अब P2 यहां से कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा तो फिर से P2 आपका कहां जाएगा, रेडी क्यू में चला गया। अब कौन सी प्रोसेस आपकी ऐसी है जो वापस आएगी, P3, क्योंकि P3 आपका दूसरे सेकंड में आया था, तो अब आपका P3 यहां पर शुरू होगा, P3 आपका शेड्यूल होगा। जब P3 आपका शेड्यूल होगा तो P3 अब आपका कितना चला, 6 सेकंड। ओके, अर्थात P2 अब आपका P3 कितना हो गया, 0 हो गया, P3 काम खत्म हो गया। और यहां से P3 को भी आपने क्या किया है, वापस रेडी क्यू से कहां लाए है, रनिंग क्यू में लाए। अच्छा, अब देखते हैं P3 तो गया, अब रेडी क्यू में कौन कौन से है, P1, P2 और P4। तो अब जो नंबर आएगा, क्योंकि तो P1 ऑलरेडी हो चुका, अब क्या है, एक सीक्वेंस में चलता है, अब नंबर किसका आएगा, P4 का नंबर आना चाहिए। P3 तो गया आपका, अब P4 भी आपका रेडी क्यू में, P1 ऑलरेडी हो चुका था आपका, तो अब जो नंबर आएगा अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखिए सबसे बड़ी बात, आपका P4 आना चाहिए, लेकिन कौन सा प्रोसेस पहले है, P1, तो P1 को हमने दोबारा से रेडी क्यू में ला दिया। ओके, P1 आपका फिर से रेडी क्यू में आ गया। अब P1 यहां पर आपका कंप्लीट होगा, एक आपका P1 8 पॉइंट तक कंप्लीट होगा। ओके, ठीक है, अब इसके बाद हम P1 तो खत्म हो गया, अब यहां पर P1 को हम वापस क्या करेंगे, फिर से रेडी क्यू में ला देंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विच कर जाएगा,
अब कॉन्टेक्स्ट यूज कर जाएगा तो अब यहां पर जो पॉइंट है अराइवल टाइम अकॉर्डिंग लाना है तो हमारे पास यहां कितना बचा, वन बचा। पहले कौन आया था देखा जाए तो हमारा पी वन ही पहले आया था। अब जो प्रोसेस बचती है इसके बाद क्योंकि पी टू भी चल, पी टू आपका दो पॉइंट बचा नो डाउट पी थ्री। अब जो नंबर आएगा उसके बाद किसका है, पी फोर का, ठीक है। अब आपका पी फोर बचा हुआ है तो पी फोर का नंबर आपका यहां से आ जाएगा, अर्थात हम पी फोर को अब रेडी क्यू में, सॉरी रनिंग क्यू में ले आएंगे रेडी क्यू से। ओके, पी वन को हमने यहां पे रख दिया। ओके, अब पी फोर आपका कितना पी फोर बचा हुआ है, एक पॉइंट पी फोर आपका एक मिनट तक सीपी उसको मिल गया तो हो गया नाइन। ओके, ये हो गया नाइन, ठीक, आपका P4 भी चला गया P3 भी चला गया, ये दोनों प्रोसेस आपके चले गए, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस आपके अब समाप्त हो गए, इनका काम खत्म। अब P1 P2 दो बचे, अब इसके बाद किसका नंबर है, P2 का नंबर है। P4 तो गया तो इसको रेडी क्यू में नहीं डालेंगे, ये गलती ना करें, क्योंकि P4 तो आपका रिट्रीट हो चुका है, बाहर जा चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। अब आप क्या बचता है, P2, तो P2 कर देंगे अब P2। अब वापस P2 को हम क्या करेंगे, रेडी क्यू में डाल, सॉरी रनिंग क्यू में डाल। तो P2 अब कितना आपका आया, P2 अब आपका हो जाएगा 11। ओके, 11 हो गया, चले। अब इसके बाद P2 भी आपका समाप्त हो गया, P2 भी आपका चला गया, इधर आपका P4 भी चला गया था। अब क्या बचा, P1, तो P1 को यहां से उठाएंगे रेडी क्यू से और P1 को यहां रख देंगे रनिंग क्यू। कितना बचा, वन। तो अब यहां पर ये हो जाएगा, तो यार का तैयार हो गया। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं रेडी क्यू से, ये तो तरीका है, लेकिन इसको बनाने से एक फायदा ये रहेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि देखिए एक बार बता दें, जैसे P1 को हमने रेडी क्यू में लिया, हमने रनिंग क्यू में रखा, P1 यहां से हट गया। इसके बाद P1 के बाद देखते कौन कौन से प्रोसेस आ रही है, तो देखा कि P2 और P3 दो प्रोसेस आ गए, हमने आगे लगा दिए क्रमशः अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही हम P1 को यहां से हटाएंगे तो P1 को उठा के हमने यहां रख दिया क्योंकि P1 बचा था। अब P2 को शेड्यूल कर दिया, ठीक है। P2 के शेड्यूल होते जैसे ही आपका P2 खत्म हुआ, यानी P2 का दो क्वांटम खत्म हो गया, तो अब P1 के बाद अगर देखा जाए तो अब ये भी चेक करते बाकी प्रोसेस कौन सी बची है, आपका P4 सारे प्रोसेस लेके यहां पर आ गए और इसका क्राइटेरिया चेंज हो गया, P4 आ गया। अब क्या करते हैं कि P2 को हमें बाहर निकालना है तो वापस डालेंगे रेडी क्यू में जो भी आगे प्रोसेस होगी, और नेक्स्ट प्रोसेस P3 को हमने रख दिया। P3 ऐसे आपका स्विच हुआ आगे बढ़ा तो देखिए आपका P1 बचा, P1 को हमने शुरू कर दिया। P1 जैसे आप आगे का काम खत्म किया, P4 आगे रेडी क्यू में लगा, आपका P4 किया, ठीक है। तो जो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है उसको आगे हम रेडी क्यू में रखते हैं। अब इसी तरह यहां पर देखते हैं कंप्लीशन टाइम, तो कंप्लीशन टाइम पे हम ये सब चेक करते हैं कि आपका P1 कब समाप्त हो रहा है, 12, तो यहां 12 कर देते हैं 12। ओके, इसके बाद आपका P2 कब फिनिश हो रहा है, P2 आपका फिनिश हो रहा है 11 में, 11 कर दे रहे हैं। आपका P3 कब फिनिश हो रहा है, P3 आपका 6 में फिनिश हो रहा है तो हम 6 कर दे रहे हैं। आपका P1 कब, सॉरी P4 कब कंप्लीट हो रहा है, P4 आपका 9 में कंप्लीट हो रहा है तो हम 9 कर दे रहे हैं। ओके, तो ये चारों प्रोसेस हमने यहाँ पे कंप्लीशन टाइम के अकॉर्डिंग ले ली। अब हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो 12 माइनस जीरो, 12
माइनस जीरो 12 हो गया, फिर 11 माइनस 1 10 हो गया, फिर 6 माइनस 2 4 हो गया, फिर 9 माइनस 4 5, यह आपका टर्न अराउंड टाइम आपका निकल आया 12 10 4। अब आपका वेटिंग टाइम निकालना है तो वेटिंग टाइम देख लीजिए, वेटिंग टाइम कैसे आएगा। वेटिंग टाइम में देखते हैं आपका टी ए टी माइनस बी टी है तो 12 माइनस 5 इनको हटा दे रहे हैं, वापस वही फर्स्ट टाइम लेंगे जो हमारा पुराना था, तो हमें समझाने के लिए कर रखा था 12 में 5 गए तो आपका 7, 10 में 4 गए आपका 6, 4 में 2 गए आपका 2, 5 में 4 गए तो आपका 1, ये आपका 7 6 वेटिंग टाइम जो है आपका 7 6 2 4 सॉरी 5 माइनस 1 होगा तो यहाँ 4 होगा, सॉरी 4 होगा और 4 माइनस 2 है तो यहाँ पर 2 होगा, 7 6 2 4 ये आपका निकल आया। इसी तरह इसका वेटिंग टाइम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वेटिंग टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज वेटिंग टाइम तो देख ली 7 6 13 13 2 15 15 4 19 19 बटे 2 19 बटे 4 तो 4 6 16 4 5 4 6 16 4 3 5 7 5 इसका निकालना चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं 12 10 22 22 4 26 5 32 2 9 by 4 इक्वल 7.1 ओके तो ये आपका डेमो था एग्जाम्पल का, राउंड रॉबिन स्टूडेंट एल्गोरिथम का। इस तरह आप रिस्पॉन्स टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा सारे क्वेश्चंस को, ओके। और आगे के न्यूमेरिकल्स करिएगा, नियंत्रण मोड में जो भी मिल जाए, क्वांटम घट बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटम तो वो देगा एग्जाम में आपको, इसमें प्रायोरिटी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। सिर्फ आपको अराइवल टाइम होगा, बस टाइम होगा, टाइम क्वांटम आपको यहाँ पे दिया होगा, ओके। इसके अकॉर्डिंग आप सवाल को लगाएंगे, ओके। थैंक यू।